उषा जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब बहुत शालीनता से और बड़ी समझदारी से कहना चाहता हूं कि जो लोग बॉर्डर पे बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, वो किसान यूनियंस हैं। और जो ये 11 बिल्कुल, मैं बिल्कुल समझदारी से, दिल्ली का मुख्य प्रवक्ता हूं तो बड़े ध्यान से बोल रहा हूं, जो बोल रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। ये किसानों की 11 यूनियन है, 11 यूनियन में से 8 यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी की हैं, 2 कांग्रेस की हैं और 1 आप पार्टी की हैं। ये 11 लोग बैठे हैं और ये किसानों के यूनियंस हैं, या बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं ये किसानों के दलाली कर रहे हैं। यही सभी लोगों ने 2004, 2009, 2013 और अपने ऑफिशियल, मैं डेट बता सकता हूं कि किस किस दिन पे इन्होंने अपना जो ऑफिशियल ट्विटर है 2004, 2009, 2014, 2019 में अपने ऑफिशियल ट्विटर से मोदी जी का विरोध किया था और यहां तक कहा था चौकीदार चोर है। और उसमें कांग्रेस वालों ने तो यहां तक भी उसको राहुल गांधी को और सुरजे वालों को भी कनेक्ट किया था। अब मैं बताता हूँ 20 अक्टूबर 2018 को यही भारतीय किसान यूनियन ने लिखा था, मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी को लिखा था इन्होंने और फिर बाद में मैनिफेस्टो में भी लाए थे कि हमको अड़तियों से बचाओ। अरे शुभेंदु जी, डूब के मर जाओ कहीं पानी में, कहीं पानी में डूब के मर जाओ शुभेंदु जी। आप आतंकवादी बताते हो, खालिस्तानी बताते हो किसानों को, आप कभी दलाल बताते हो, आपके अंदर शर्म लिहाज बची है कि नहीं बची है? थोड़ी बहुत शर्म लिहाज है, नहीं है? आप राहुल गांधी जी को बार बार कटाक्ष करते हैं, थोड़ी बहुत शर्म लिहाज होनी चाहिए आपके अंदर। आप कभी आतंकवादी बताते हो किसानों को, कभी खालिस्तानी बताते हो, कभी अलगावादी बताते हो। आज आप यहाँ टीवी पे बैठ के किसानों को जो दलाल बता रहे हो, आप गए हैं कभी किसान आंदोलन में? प्रमोद जी, आपका नेता गया है किसान आंदोलन में? प्रमोद जी नहीं, कोई गया है आप बताइए। जब आप बोले नहीं बोलेंगे, आप झूठ मैं बोल रहा हूँ तो आप किसानों को दलाल बताएंगे? आप राहुल गांधी को कॉल करेंगे कर रहे हो और मैं नहीं, आप राहुल गांधी को कॉल करेंगे हम सुन लेंगे क्या? आप किसान को नहीं, आप डूब के मर जाओ कहीं पे। सुनो, 70 साल का पहले आंकड़ा तो देखो सही से, अभी आपको बताएंगे कि 10 साल हुआ है किसानों के लिए। अगर सवाल आपसे ही पूछा जाए, 70 सालों में आपने नहीं, नहीं, 70 साल का पहले काउंट तो सही से कर लेंगे। इस तरीके से देश को मेरे भूख कितना समय हुआ है, कितने समय में कांग्रेस की सरकार रही है, कितने समय में भाजपा की सरकार रही है? आप बैठते राहुल गांधी को कॉल करना स्टार्ट कर देते हो, किसानों को आप जो आतंकवादी बताते हो, खालिस्तानी बताते हो, आप जो दलाल बता रहे हो, सर है थोड़ा हाँ बिल्कुल के अंदर अगर थोड़ी बात को बिल्कुल बिल्कुल प्रमोद जी आपको जी प्रमोद जी मैं क्या कह रहा हूँ, जब आप बोल रहे थे तो मैंने बोला था कि एक शब्द भी नहीं, आप राहुल गांधी को कोर्ट क्यों करेंगे? नहीं, आप राहुल गांधी को कोर्ट क्यों करेंगे किसानों के नाम पे? राहुल गांधी किसानों के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आप बोलिए राहुल गांधी को यही नहीं मालूम है? आप बोलिए खालिस्तानी किसानों को, राहुल गांधी को, हेलो, आप बोलिए दलाल किसानों को, आप राहुल गांधी जी की ये देश का किसान है, हम इसके साथ है, कांग्रेस पार्टी किसान के साथ है। आप बोलिए सरकार, मैं बाद में बोलूंगा, आपकी सरकार, आपकी सरकार दबाव में है, आप बोलिए, और आप टीवी पे बैठ के बात कर रहे हैं। आप बोल लीजिए, बीच में मत बोलिए, जब मैं बोलूंगा तब उसके बाद बोलिएगा। आप बिल्कुल भी कोई शब्द ऐसा नहीं बोलेंगे, आप कोई भी शब्द ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे हमें हानि हो। प्रमोद जी एक एक कर बोलेंगे तो समझ में भी आएगा, सवाल भी उठ सकेगा और उसका जवाब भी। नहीं, उषा जी एक एक करके बोले, लेकिन ये राहुल गांधी को कोड करेंगे, किसानों को दलाल बताएंगे, ये हम नहीं सुन सकते। ये और लोग सुन रहे हैं लेकिन हम किसानों का दलाल नहीं सुन सकते। आपको चैनल नहीं आना चाहिए बिल्कुल, जब आप सुन नहीं सकते तो वहां पर क्यों नहीं आना चाहिए? चैनल आपकी बकौती है, नहीं है चैनल पे, चैनल पे आएंगे क्यों नहीं है तमीज? आपको बात करने की तमीज नहीं है, आपको तमीज है? आप दलाल बताएंगे किसानों को, आप दलाल बताएंगे किसानों को? राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उनको कॉल करेंगे आप? लग रहा है 70 साल आपके लोगों ने कांग्रेस में यहाँ बैठ के इटली में पैसा भेजा, वो दलाली नहीं थी, वो जिन 70 साल का जिक्र करते हैं आंकड़ा तो देखो, सुनो रो, 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाया उसे बेच रहे हो, आपने नया क्या कर लिया? करना बंद कीजिए, इस मुद्दे पर बहस नहीं है।
इसकी टोपी उसके सर करना बंद कीजिए। उषा जी आप उनका माइक बंद करिए। अरे तर्कों पर बात करिए, पहले सारी बातें तर्कों के साथ करिए, तभी शालीनता से सब बहस होगी, नहीं तो इस तरीके से पूरा कार्यक्रम ऐसे साफ हो जाएगा। ठीक है सर, प्रीतपाल सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी मैं। मैं सुषा जी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई। आप अपनी बात कर लीजिएगा, पहले मुझे सवाल आ जाइए। सुषा जी सवाल पूछिए, इन्होंने जो बोला तो अपने मन का ही बोलना है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। ठीक है प्रीतपाल जी, आ रही हूँ आपके पास, कुछ सेकंड का समय दीजिए। मेरी बात चलिए, यही अरविंद केजरीवाल जी थे, यही अरविंद केजरीवाल जी थे जिन्होंने 23 नवंबर को तीन फॉर्म के जो लॉ बने थे उसमें एक को पास कर दिया एपीएमसी वाले को, और जब उनको लगा कि यहाँ किसान आके बॉर्डर पे बैठ गए हैं तो उनको लगा, और 17 दिसंबर को उन्होंने वो कागज को फाड़ दिया। ये केवल केवल वोटों की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको जब जहां मौका मिलेगा, कांग्रेस हाशिए पे आ गई है, जीरो से भी नीचे आ गई है, इसको लगता है कि कांग्रेस किसान आंदोलन के बहाने हमको कुछ राजनीति मिल जाएगी और हमको कुछ वोट मिल जाएंगे। जिस राहुल गांधी को यह मालूम है कि आलू पेड़ पे उगता है या जमीन के नीचे होता है, मैं बिल्कुल नहीं बन रहा था बिल्कुल, और साथ मैंने बैठे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। उषा जी किसानों के साथ जुड़े हुए, उषा जी उषा जी भाजपा के प्रवक्ता के आपके सवाल का जवाब दे, दलालों के साथ हैं, दलालों के साथ रहेंगे। उषा जी